सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यार काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि भैया लैब तो करे कैसे, इतनी सारी वीडियोस आ रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है हमें क्या करना है। देखो देखो देखो, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको लैब परफॉर्म करनी है, कहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लैब की सॉल्यूशंस बना रहा हूँ। सो मेरे पास काफ़ी सारे सॉल्यूशंस पहले से अवेलेबल हैं, कुछ जो ऐसे रहते हैं जो मैं आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करता हूँ। सो बताता हूँ कैसे आपको लेवल्स कंप्लीट करनी है, कैसे ट्रिविया में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको कौन सी लैब कहाँ मिलेगी, पूरी प्रोसेस। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम है इसलिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी अगर आप धीरे धीरे लैब करोगे, जब 1, 2, 3, 4 लैब कर लोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोसेस वर्क कर रही है। ठीक है, चलो समझते हैं क्या प्रोसेस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो लेके आते रहते हैं, जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो पाते हो काफी नॉलेज, गुडीज एंड स्वैग्स को अर्न करने के। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, हमें जाना है आर्केड की इस पेज पे। ठीक है, ये पेज पे आपको जो है याली पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप डायरेक्टली इस लिंक से जा सकते हैं, या तो आपको पता होगा कैसे जाते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हैं। ठीक है, याली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पेज में जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा लेवल 1, लेवल 2 एंड ट्रिविया। ठीक है, अब याली वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, वो क्या सजेशन है भैया ये बता दो। चलो मैं चैनल पे आ जाऊँ, चैनल पे आने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है समझो ये वाली वीडियो आपको देखनी है कौन सी है, ये समझो क्विक्स लैब आर्केड लेवल 1 एंड लेवल 2 जुलाई फ्री स्वैक्स एनरोल नाउ। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो यार याली वीडियो जरूर देख लेना, इसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि क्या करना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको ये वाली चीज देखनी है क्विक स्लैब ट्रिविया जुलाई 2023, इसके अंदर मैंने बताया कि ट्रिविया जुलाई वर्क कैसे करता है। चाहोगे दोनों की ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये दोनों वीडियोस जो है आप लोगों को एज ए बिगनर काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि वीडियोस तो काफी सारी आती रहेगी, क्योंकि क्विक स्लैब ने है ना काफी सारे जो चैलेंज वो एक साथ ओपन कर दिए, तो यार इसलिए वीडियो इतनी सारी बढ़ गई है। सो आपको इजी करने के लिए मैं वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, एक ये वाली वीडियो देखनी है लेवल 1 एंड लेवल 2 वाली एंड एक ये ट्रिविया वाली, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आपने जो है क्विक स्लैब ट्रिविया में रजिस्टर कर लिया वीडियो देखकर, हम आगे की प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, आगे की प्रोसेस क्या है भैया, हमारे पास क्रेडिट्स नहीं है, इधर क्रेडिट्स लिखा है, देखो ये 20 क्रेडिट्स रिक्वायर्ड है। सो यार अगर आपने मेरी मंथली सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो भी नहीं देखी है, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा होगा, सो उन्हें ना एक मंथली सब्सक्रिप्शन का मेल आ चुका होगा, ये वाला क्लेम योर क्विक स्लैब 2 मंथ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो कैसे क्लेम करना है वाली प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये वाली वीडियो देखकर आप जो है मंथली सब्सक्रिप्शन क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आपको क्रेडिट्स की चिंता छोड़ देनी है पूरे इवेंट में, फिर आप सारी लैब्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाओगे। कैसा दिखेगा भैया क्रेडिट्स मिलने के बाद, तो क्रेडिट मिलने के बाद आपको कुछ, ये तो जो है अभी मेरे पास मेल नहीं आया इस आईडी पे, जिस आईडी पे जब आप क्लेम कर लोगे इधर लिखा आएगा मंथली सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो ये बात तो हमने समझ ली कि कैसे वर्क करने वाले, कैसे मंथली सब्सक्रिप्शन मिलेगा। भैया ट्रिविया में करना क्या रहता है, चलो ये समझा देता हूँ ट्रिविया में करना क्या रहता है। सो ट्रिविया में देखो ऐसी वीक्स की लैब दिख रही होगी, वीक 1, ठीक है, अगला है वीक 2, ठीक है, अगला है उसके बाद वीक 3 है ना, और उसके बाद आता है अपना वीक 4। ये आपको 4 लैब्स दिख रही है, अभी ये समझो कि ये 4 लैब्स जो है इस पूरे इस ट्रिविया वाले इवेंट की, बता दो कौन से, सो यार इस पूरे इवेंट की ये ट्रिविया वाला जो बैच है ना इसकी जान है। ठीक है, ये मान के चलो आप, अब क्या हूं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बाकी लैब्स को क्यों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो समझो ये वाली जो लैब है ना, ये मान लो ट्यूजडे को खुलती है एंड नेक्स्ट ट्यूजडे ऑफ हो जाती है, यानी मान लो अभी जब नेक्स्ट ट्यूजडे आएगा ना हमारा, तब याली लैब जो है ऑफ कर दी जाएगी और फिर याली लैब जो है लॉक हो जाएगी। अगर याली लैब मिस हो जाती है आपको, तो यार आप जो है पूरी लैब, पूरी बची हुई लैब भी खत्म कर लोगे तो भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। सो आपको यही चीज समझनी है, जैसे ही एक हफ्ता हो जाता है हमारी याली लैब जो है लॉक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट वाली लैब ओपन हो जाएगी, बाकी सारी लैब जो है वीक वाली वो ऑफ रहेगी, सिर्फ वीक वाली, बाकी ये जीकेई और ये सारी तो पूरे टाइम खुली रहती है, मैं बात कर रहा हूँ वीक्स वालों की। ठीक है, सो ये वीक्स वाली खुल जाएगी, फिर ये ट्यूजडे टू ट्यूजडे चलेगी, फिर एक हफ्ता इसमें हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगी एंड ये थर्ड वाली ओपन हो जाएगी, देन ये ट्यूजडे टू ट्यूजडे चलेगी, देन अगली ऐसी सेम चारों वीक्स की। ठीक है, बात करते हैं आपके पास पूरे मंथ का टाइम है रिमेनिंग सारी लैब्स खत्म करने के लिए। ठीक है, ये वाली भी आप कभी भी ले सकते हो, ये वाली भी ले सकते हो एंड ये वाली भी ले सकते हो। तो आपको आई होप ट्रिविया का समझ में आ चुका है कि क्या फंडा है। भैया अब ये बता दो कि हम सॉल्यूशन कहां से करें। ठीक है, आप
हमको ये बता दो। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, अगर आपने अभी तक वीक वन वाली लैब को कंप्लीट नहीं करा है, ठीक है, सो आपको जाना है मेरे चैनल पे। ये वाला सॉल्यूशन मैंने 3 घंटे पहले डाला है, क्विक स्लैप ट्रिविया जुलाई वीक वन सॉल्यूशन। सो यार इसको देखो, एंड इसको देखकर आप जो है अपने ट्रिविया की वीक वन कंप्लीट कर लो। कैसे कंप्लीट करते हैं, ट्रिविया कैसे वर्क करता है, उसमें भी मैंने समझाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा एंड ये वाली लैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रिमेनिंग लैब्स मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते भैया, मान लो हमने ये कर लिया है, हम आगे करना चाहते हैं तो अब क्या करें, ठीक है, चलो आगे समझा तो क्या करते हैं, ठीक है। सो यार आपको जाना है मेरे चैनल पे, ठीक है, ये मेरा चैनल आ गया। आपको जाना है इधर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जो है देखने को मिलेगी नीचे, जब आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो ये मैंने स्क्रॉल करा, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलने वाली है क्विक स्लैब की सारी प्लेलिस्ट, ठीक है। ये दिख रहा है क्विक स्लैब ट्रिविया जुलाई 2023, इस व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप लैपटॉप से देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो आपको लैब्स दिख रही होगी सारी। ये आपको मैनेजिंग एसएमबी वर्कलोड एंड ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज वाली लैब दिख रही है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है, इसके अंदर जाना है, इसको ओपन कर लेना है बस, बाकी फिर आपको पूरा वीडियो फॉलो करनी है, ठीक है। ये वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि आपको कैसे पासवर्ड से लॉग इन करना है, क्या करना है, क्या सॉल्यूशन है, आपको यहां से मिल जाएगा। बात करते भैया नेक्स्ट लैब का सॉल्यूशन, चेक पॉइंट नेक्स्ट जेन डेटा सेंटर। अगेन मेरे चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट के अंदर ये दिख रहा है आपको 3 मिनट का सॉल्यूशन है इसका। इसको ओपन करो, इधर से आप अपनी लैब को ओपन करो एंड करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही कंप्लीट होती है टिक लग जाएगा, ठीक है। अगेन सेम ऐसी ही जितनी लैब्स अवेलेबल है इधर उतनी कर लो, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसमें अपडेट करते जाऊंगा, जैसे जैसे मेरे बचे हुए सॉल्यूशंस होंगे वो मैं अपलोड करते जाऊंगा, आप जो है कंप्लीट करते जाओगे, ठीक है। तो यार ये प्रोसेस है सिंपल सी आपको कंप्लीट करने की लैब ट्रिविया के अंदर, ठीक है। ट्रिविया वाला फंडा समझ में आया कि आपको कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, एंड जो जो सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मुझे आप डीएम करके बताइए, मैं चेक करके आपको जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये तो बात हो गई कि भैया ये ट्रिविया वाले लैब्स हमें कैसे कंप्लीट करने हैं। बात करते भैया लेवल वन का क्या सीन है, एनरोल करने वाली प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे करना है, कैसे करना है। अगेन बैक आके मैं आपको बताता हूं, ये चैनल पे आ गए, ठीक है, वीडियोस के अंदर आ गए, वीडियोस के अंदर जाइए, यहां पे जाके आपको जो है दिख रहा है ये लेवल वन एंड लेवल टू याली वीडियो को चेकआउट कर लो। सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पार्टिसिपेट करना है, दोनों में एनरोल कैसे करना है, ठीक है। अगेन प्लेलिस्ट पे आ जाता हूं मैं। अब आपको क्या करना है कि इधर आके अगर मान लो ट्रिविया लेवल वन प्ले करना चाहते हो तो ये प्ले पे क्लिक करोगे, बार बार एनरोल करने की जरूरत नहीं है, एक बार एनरोल कर लोगे तो नॉर्मली आपका जो है लॉगिन रहेगा, आपको बार बार कोड डालने की जरूरत नहीं है। सो ये लेवल वन हमने ओपन कर ली, ठीक है, मैं एनरोल हो चुका हूं इसके अंदर। अब बात करते भैया ये याली लैब को हमने ओपन करा, इधर एक ऐसा बंद रहेगी लैब जब आप इसको ओपन करोगे, सो स्टार्ट इज हियर, ठीक है, याली लैब दिख रही है आपको। सो इसमें आपको क्या करना है, अगेन मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ट्रिविया लेवल जुलाई वन, ठीक है। व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, याली लैब का सॉल्यूशन आपको दिख गया, ठीक है। याली लैब आपको करनी है, मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सी लैब्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी लैब है जो आपको नहीं करनी है। देन अगेन नीचे स्क्रॉल करोगे, इसको ओपन करोगे, ठीक है, ये वाली लैब्स के सॉल्यूशन अभी मुझे बनाने हैं, तो इनको भी आप छोड़ दो, जितनी लैब्स के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख रही है, ठीक है, इतनी लैब्स आपको दिख रही है, इतनी कंप्लीट कर लो पहले, ठीक है। ये आप नीचे एक्सप्लोर करोगे, यहाँ पे आपको लैब्स दिख जाएगी। अब भैया बीच बीच में लिंक भी आ रहा है हमें, बहुत सारी जगह लिंक दिख रही है, क्या करें इसका, या बहुत सारी जगह चैलेंज लैब है जो आपके चैनल पर अवेलेबल नहीं है। चैनल पे जो भी लैब अवेलेबल नहीं है उसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो ये लिंक पे अभी ध्यान मत दो, अभी सिर्फ आपको क्या क्या करना है, ये जो रिक्वायर्ड दिख रहा है ये रिक्वायर्ड, आपको जो रिक्वायर्ड दिख रही है ना वो वाली लैब्स आपको परफॉर्म करनी है अगर मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जैसे जैसे मेरा लैब कंप्लीट करते जाऊंगा मैं, जो नहीं है चैनल पे वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप किसी भी फैसिलिटेटर के ग्रुप में किसी और के, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे चैनल पे एक्टिव रहिएगा, आपको वहां पे चीजें भी मिल जाएगी। अगेन ऐसे ही आपको क्या करना है, लास्ट वाले आपको ये दिख रही है इसमें भी लैब्स लिखा है, तो यार ये सारी लैब्स भी आपको खत्म करनी है, लिंक को अभी छोड़ दो, लिंक की टेंशन नहीं करना है। लिंक का क्या फंडा है वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, बट पहले समझो आपको लैब्स कौन सी करनी है, ठीक है। ये वाली लैब्स करनी है जहां जहां पर रिक्वायर्ड लिखा है, लिंक को अभी कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप यहां तक कर लोगे नेटवर्क 101 आपको जो है आपका बैच मिल जाएगा, ठीक है, लिंक करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ नेटवर्क 101 तक करना है। बात करते भैया व्हाट नेक्स्ट भी आ रहा है, इसके अंदर भी हमें 3-3 लिंक दिखा रहा है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, हर उसमें लिखा रहेगा व्हाट नेक्स्ट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़ दो,
ठीक है, अभी सिंपल प्रोसेस समझ में आ गया आपको लेवल वन में क्या क्या करना है। अब बात करते भैया लिंक का क्या सीन है। देखो लिंक का हम क्या सीन बता रहा हूँ अब वो ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो यार ये हम समझ लेते हैं। मान लो मैं इस लिंक पे क्लिक कर गया, ठीक है, ये मैंने लिंक क्लिक करी, अब मैंने अगेन इस पे क्लिक करा, तो ये देखो इधर एक स्किल बैच ओपन हो जाएगा। ये देखो ये हो गया हमारा स्किल बैच ओपन। ठीक है, सो यार अगर आपने मेरी अब याली वीडियो नहीं देखी, कौन सी वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, सो अब मैं वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, सो ये आ गए हम वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर आने के बाद जो है हम जब नीचे स्क्रोल करेंगे, नीचे स्क्रोल करने के बाद जो है ये वाली वीडियो नहीं देखी, व्हाट इज क्विक स्लैप आर्केड कोहेरेंट। ठीक है, तो ये चेकआउट कर लेना। इसके अंदर मैंने समझाया स्किल बैच कितने करने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, एंड लेवल करने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ट्रिविया करने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, आई थिंक यस, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट लगना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको और इजी कर दूं चीज़ें, जितना मेरे से बन पाएगा, जितने मैं एफर्ट्स लगा पाऊंगा आप लोगों के लिए मैं जरूर लगाऊंगा। ठीक है, सो यार ये आपको स्किल बैच मिल गया लिंक पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, बट अब अभी आपको इसमें एनरोल नहीं करना है। ये एनरोल कब करना, जब आप इधर की सारी लैब्स खत्म कर लो। एक सेकेंड, ये जो है लिंक से मैं बैक आता हूँ। ये जब आप लेवल वन की सारी बाहर की लैब्स कंप्लीट कर लोगे ना, ये वाली, फिर इसके अंदर वाली, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर वाली, ये सारी और ये सारी, सो यार ऑटोमेटिकली है ना ये वाली लैब्स कंप्लीट हो जाती है। आप लोग ऑटोमेटिकली ये वाली लैब्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड यही सारी लैब्स आपको बाहर भी दे के रखी हुई है। सो अगर आप एक बार यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक लग जाएगा, और जैसे आप अंदर आके इसके अंदर एनरोल करेंगे, ठीक है, ये एनरोलिंग क्विस्ट पे क्लिक करेंगे, सो आपको जो है याले स्किल बैच जो है आपकी प्रोफाइल पे देखने को मिल जाएगा। सो ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया। अब बात समझो, एक स्किल बैच का कोई पॉइंट नहीं है, आपको मिनिमम तीन स्किल बैच करने पड़ेंगे। भैया आप तीन स्किल बैच कहाँ से लेके आए, अगेन लेवल वन में आओ। देखो ये लिंक वन है, ठीक है, देन नीचे स्क्रोल करेंगे ये लिंक टू है, ठीक है, इसको नीचे स्क्रोल करना ये लिंक थ्री है, ठीक है, ये लिंक जो है फोर है, और ये लिंक फाइव है। टोटल पांच लिंक हो गई, तीन लिंक का एक पॉइंट मान के चलो। सो पांच लिंक का अभी भी एक ही पॉइंट है, क्योंकि तीन बैच का एक पॉइंट, सो पांच बैच का भी एक ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वो छह नहीं है। ठीक है, तो जब आप लेवल टू करोगे, सो लेवल टू में भी सेम फंडा है। ठीक है, अगेन आप इधर आएंगे, आपको याली जो लैब है ये आपको कहाँ पे देखने को मैंने बताया, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करना है इसके सॉल्यूशंस कितने अवेलेबल है। ये मैं प्लेलिस्ट पे आ गया, ठीक है, ये जब मैं नीचे स्क्रोल करूंगा, एक सेकेंड, कम्युनिटी ओपन हो गई, ये जब मैं नीचे स्क्रोल करूंगा, सो यहाँ पे आपको लेवल टू जुलाई दिख रहा होगा, अगेन फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है काफी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जितने सॉल्यूशंस इधर अवेलेबल है आपको क्या करना है, लेवल टू पे आना है, एंड अगेन नीचे जब आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लैब्स दिख रही होगी, रिक्वायर्ड, ये सारी लैब्स के सॉल्यूशन आपको जो है इधर प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगेन अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट की। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रोसेस बता दी कैसे आपको फाइंड करना है कौन सा सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे नए लोगों को है ना प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नहीं पता है कि मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशंस बना लिए, या किसी ने भी ऑलरेडी सॉल्यूशंस बना लिए, सो ये सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन देखो इधर एक लिंक आ गई, अब याली लिंक को भी आप कर लोगे तो टोटल छह लिंक हो जाएगी, फर्स्ट की पांच और इसकी एक, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, अब दो, सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री, टू। ठीक है, अगेन इधर नीचे स्क्रॉल करोगे एंड इधर भी आपको रिक्वायर्ड वाली लैब करनी है, एंड ये एक लिंक है, ठीक है, लिंक नीचे मिलेगी, ये वाली लिंक है, देन अगेन इधर भी एक लिंक मिल जाएगी। ऐसे करते करते आपके पास जो है स्किल बैच भी कलेक्ट होते रहेंगे, और अगर आप रिक्वायर्ड वाले सारे पार्ट कर लेते हो तो आपको जो है याला बैच भी मिल जाएगा। सो आई होप आपका जो याला डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अभी भी कॉम्प्लिकेसी लग रही होगी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम जो है जल्दी और ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश। सो यार आई होप आपको वो समझ में आया होगा कि कहाँ से आपको सॉल्यूशंस ढूंढने। मेरा मेन मुद्दा अभी ये था कि आपको कहाँ से सॉल्यूशंस ढूंढवाने, ठीक है, कि सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलेंगे भैया, लैब्स के हम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, सो आपको कहाँ से मिलेंगे इन तीनों के सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से, आप लिंक्डइन पर कभी भी कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं लिंक्डइन पर अभी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, एंड व्हाट्सएप पे एक्टिव हूँ, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो कर सकते हैं, अगर आप किसी और फैसिलिटर के ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जो है लिंक्डइन पर भी कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, क्योंकि हर फैसिलिटर जो है अपने स्टूडेंट्स को गाइड ही करना चाहते हैं, कोई भी मिसगाइड तो करना चाहेगा नहीं। सो आपको सिंपल से एक काम करना है, बस अभी मेरी इन सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, एंड देखो सिंपल से मैं आपके लिए ना एक समराइज वे में आपको समझाता हूँ आपको क्या करना है। अभी एक बहुत छोटा सा है ना, फटाफट बता देता हूँ आपको करना क्या है। सो यार बात कर लेते फटाफट आर्किट के पेज पे आके, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वीडियो सेक्शन में आना है। वीडियो सेक्शन में आने के बाद जो है नीचे स्क्रोल करेंगे आप,
नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको समझना है कि ट्रिविया कैसा क्या वर्क करता है, इसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है। देन आपको लेवल 1 और लेवल 2 में कैसे एनरोल करना है ये मैंने समझाया है। एंड देन आपको ये अंडरस्टैंड वाली वीडियो देखनी है। ये तीन वीडियो देखने के बाद जब आप एनरोल हो जाओगे इवेंट के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे मिलता है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, आपको मेल वेल आएंगे, कैसे क्लेम करना है पूरी प्रोसेस। अब हम बात करते हैं भैया, ठीक है हमने सब कर लिया है, अब आपको आर्केड के पेज पे आना है। अब मान लो कि मुझे इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, चैनल पे आना है। चैनल पे आके आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये मैंने जो है नीचे स्क्रॉल करा, ये लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट दिखी, इसके अंदर सॉल्यूशंस अवेलेबल, जितने सॉल्यूशंस अवेलेबल है उतनी लैब्स आप कर लो, बाकी रिमेनिंग जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। जितने नहीं है उसकी चिंता मत करो, पहले जितने हैं उतने कंप्लीट कर लो। अगेन मान लो मुझे भैया लेवल 2 की लैब्स करनी है, मैं लेवल 2 में इंटरेस्टेड हूँ, अगेन चैनल पर जाओ, लेवल 2 व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, अगेन आपको सॉल्यूशंस जितने दिख रहे हैं उस सॉल्यूशंस को कंप्लीट करो इस पे क्लिक कर, ठीक है। बस आपको क्लिक करना है, देन बिल्कुल मेरी वीडियो जैसे ही आपका भी इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देन आपको मेरी वीडियो को फॉलो करना है। मेन काम आपका कितना है कि इन पेजों तक आना है एंड इधर जाके आपको लैब करना स्टार्ट करना है। ये आपको थोड़ा खुद से करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। सो ये मैंने आपको प्रोसेस समझा दिए। देन आपको मान लो ट्रिविया करना है, ट्रिविया के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल चैनल पे भैया हमें बताया आपने, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सॉल्यूशन देख के स्टार्ट कर दो करना। सो ये सिंपल सी प्रोसेस है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई आई नो, बट यार यही मेरा एक वे था जिसके थ्रू मैं आपको पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ कि यार कैसे क्या वर्क कर रहा है, क्या आर्केड है, क्या ओवरऑल पूरा सीन चल रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। आगे जाके और सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आऊंगा, जितना सिंपल हो सकता है मैं आपके लिए करने की कोशिश करूंगा, बट ये अभी आपको फॉलो करना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।